चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार देर रात तक 304 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राहत की बात यह है कि 208 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 12,500 के पार पहुंच गई है और 99 लोगों ने अब तक कोरोना से जान गंवाई है। आज मिले 304 कोरोना पॉजिटिव मरीज में से रायपुर से 148, दुर्ग से 40, महासमुंद से 20, राजनांदगांव से 15, जांजगीर चांपा से 12, नारायणपुर से 11, जशपुर से 9, बेमेतरा व सरगुजा से 7-7 मरीज, बिलासपुर से 6, कोंडा गांव, सुकमा, बीजापुर से 4-4, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायगढ़ से 3, बालोद व कांकेर 2-2, धमतरी, बलरामपुर, दंतेवाड़ा से 1-1 मरीज मिले हैं। आज पाए गए पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराने की प्रक्रिया जारी है। कोरोना से मरने वाले मध्य प्रदेश मंडला निवासी 58 वर्षीय पुरुष, बिलासपुर के मोकपा निवासी 38 वर्षीय महिला और दुर्ग निवासी 57 वर्षीय पुरुष शामिल है। इसके अलावा बीती रात नए कुल 50 मरीज मिले थे, जिनमें रायपुर से 47 व दुर्ग, बलौदा बाजार व बिलासपुर से 1-1 मरीज शामिल है। छत्तीसगढ़ का अपना गेम शो कौन बनी लखपति, प्ले एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस, स्टे होम स्टे सेफ, कीप प्लेइंग। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल 777-180-7826। जल्द आ रहा है।